हर गाम पर फरिश्तों का लश्कर करज़बल मिन शैतरिम बिस्मिल्हरिमोज नाज्रीन प्रोग्राम हिजरत को लेकर हम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं जैसा कि आप जानते हैं कि गुजशत प्रोग्राम से हमारा ज़ुबानें मकामी ज़बानें सीखने से मुतलिक प्रोग्राम्स जो हैं वो खुदा तला के फजल से जारी हैं और इनका बुनियादी मकसद जैसा कि पहले भी बयान किया गया है वो बहरहाल यही है कि दुनिया के मुख्तफ ममालिक में बसने वाले और वहाँ हिजरत करके तशरीफ़ ले जाने वाले जो हमारे अहमदी बहने और भाई हैं उनको वहाँ के जो मुतलका इब्तदाई और बाद में आने वाले बाज़ मसाइल हैं उनके बारे में जो मालूम हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहम पहुंचाई जा सकें और फिर अब ऐसे दोस्तों ऐसे अहबाब के तजरबात भी उनके साथ बांटे जा सकें कि जिन्होंने अपने इन मसाइल को मसन मसान सीखने से मुतल तरबियत औलाद से मुतल और फिर दीगर मसाइल जो हैं उनमें से होते हुए वो एक मकाम पर पहुँचे और उन्होंने अपने जो ज़िंदगी है उसका बैरून ममालिक में जो है आगाज़ किया तो इस मकसद को बयान करने के बाद खास आपकी खिदमत में हमारे आज के मेहमान जो हैं उनका तारफ करवाया देता है सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मकरम मोहरम मोहम्मद फात नासिर साहब आप मुरबिय सिलसिला हैं इमाम साहब आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया इनके साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं मुकरम मोहरम हाफिज़ फ़रीद अहमद खालिद साहब आप नेशनल सेक्ट्री तबलीग जर्नी हैं मैं आपका भी तह दिल से मशगूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया हफ्साब कबल इसके के हम जो मुकामी ज़बान सीखने के मुख्त मर हैं और उनकी तफासिल में जाएँ अगर आप आ, चीदा चीदा ऐसे आ, कुछ अमूर बयान फरमा दें कि जो ज़बान सीखने में आपके ख्याल और तजर्बे की रोशनी में नहायत बुनियादी अहमियत के हामिल हैं इसमें मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखूँगा कि जिस तरह मैंने हिजरत की और मुझे किस तरह इस मुकामी ज़ुबान को सीखने के लिए कौन कौन से ज़रा मेरे लिए मैसर थे उनको भी मैंने किस तरह इस्तेमाल किया है बहरहाल ज़ुबान मुकामी ज़ुबान के सीखे बगैर आप किसी भी किस्म की न दीनी तरक्की कर सकते हैं न दुनियावी तरक्की कर सकते हैं जिन हालात में हमने हजरत की थी उनमें बास मजबूरियों की वजह से हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि हम बकायदा स्कूल्स जा सकते और बकायदा एक जो लैंग्वेज कोर्सेज़ है उनको अटेंड कर सकते लेकिन अगर आप में वाकई लगन मौजूद है आप एग्जस्ट करना चाहते हैं तो ज़रा भी अल्लाह ताला मुहैया कर देता है उस वक्त जो बेसिक चीज़ थी कि ज़ुबान को सीखने के, के आपकी बेसिक वोकेबलरी होनी चाहिए ताकि जो दूसरा ये है कि जो रोज़मर की बोलचाल है जो कि आम आपको ज़िंदगी गुजार रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो जिस किस्म की ज़ुबान सीखनी है वो बेसिक पहले आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं सीखी कैसे जाए ये है उसमें जो उस वक्त जो जरा मैसर थे उसमें हमारे लिए यही एक सहूलत थी कि हमने डिक्शनरी ख़रीदी हुई थी और रोज़ाना सबसे पहले उन तमाम अल्फाज की वेकेबलरी हम बनाते थे जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की ज़ुबान थी और एक रोज़ाना एक चीज़ को मतलब पाँच लफ्स हैं या दस लफ्ज़ हैं उनको करते फिर उनकी प्रैक्टिस करते थे आपस में और जब हम जगहों पर जाते थे कोशिश करते थे कि उनको आ, किसी तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए साथ साथ दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको जिनकी वजह से आपकी ज़ुबान मैारी हो सकती है एक ये कि अखबारों की सहूलत मौजूद है जो अखबार आपको मैसर आए जैसे भी आपको ज़ुबान आती है कोशिश करें कि उसको पढ़ें उससे आपको जो मारी ज़ुबान है जो ग्रामर के असूल हैं कुछ ना कुछ जो जर्नलिस्ट की ज़ुबान है वो कुछ ना कुछ आप उसकी एफिलेशन होनी शुरू हो जाती है फिर अगर आप टी वी देखते हैं तो सबसे बेहतर ये है कि आप न्यूज़ को देखें न्यूज़ में सबसे अच्छी जुबान जो है वो बोली जाती है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है तलफ़ है और जो अलफाज का चुनाव है वह आपको बहुत मदद देता है कि अपनी ज़ुबान को बेहतर कर सकें ज्ला अलहमदुल्ला पिछले प्रोग्राम्स में प्रोग्राम में भी आ, जो पॉइंट्स आए थे उनमें हमारे साथ अब कुछ इजाफा हुआ है कुछ इमाम साहब आप अगर हम दीनी पहलू से जायज़ा लें कि मकामी ज़बान या अपनी ज़बान के अलावा जब जिस मुल्क में आप हिजत करके जाते हैं वहाँ की ज़बान सीखने के दुनियावी पहलू तो इन शाला हम पे वाज हैं और मज़ीद होंगे प्रोग्राम्स में लेकिन दीनी लिहाज से इसके क्या फ़वाद सामने आ सकते हैं बसमिल रहीम जैसा कि आपने बताया कि ज़ुबान सीखने के, के दी और दुनियावी इसके दोनों फ़वाद हैं इसके दोनों पहलू हैं दोनों मकसद हैं और दुनियावी फ़वाद को तो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था बहुत तफस के साथ दिनों पहलू दीनी पहलू भी ज़ुबान सीखने का नहायत अहमियत का हामिल है और ये एक बहुत बड़ा पहलू है कि ज़ुबान सीखने से हम अपने दीन की खिदमत नहायत आसन तरह कर सकते हैं यानी कौम को जिस कौम में हम रहते हैं उस कौम को उस कौम की ज़ुबान में हम अल्लाह तला का और उसके रसूल का पेगा पहुँचा सकते हैं एक दफ़ा एक हदीस याद आई कि आ सल्ह वसलम के पास से एक सबित शरीफ लाए और क्या अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम मैंने अपना घर नया बनाया है तो ब्राह करम मेरे घर में तशरीफ़ तो लाएँ घर का हफ्ता फरमा दें हज़ुर ने जरा शफ़त उनकी बात कबूल फरमाई तशीफ ले गए घर को देखा पसंद किया अच्छा बना था तो घर में एक रोशनदान था आपने उनसे पूछा साहबी से आपने इशात फरमाया कि तुमने ये घर में ये सुराख क्यों रखा है अब ये एक मामूली बात थी सबको पता है कि सुराख घर में या वो घर में रोशनदान हवा के लिए होता है ताकि हवा भी आए रोशनी भी आए तो वो सहबी हैरान हुए कि इसका मकसद क्या पूछने का उन्होंने अर्ज़ की किल्ह के रसूल सल वसलम आपके इम में है ताकि इससे रोशनी आए हवा आए तो आपने फ़रमाया कि देखो अगर तुम ये कहते कि इससे मुझे अजान की आवाज़ आए तो तुम्हें रोशनी या तुम्हें हवा तो आने ही आनी थी लेकिन तुम्हें साथ ही उसका स्वाब मिल जाना था तुम्हारी नीयत का स्वाब मिल जाना था तो यह है कि अगर हम ज़ुबान को सीखें इस माशरे में सर्वाइव करने के लिए हमें ज़ुबान की अहमियत तो मुसलम है हमें सीखनी पड़ेगी लेकिन अगर हमारी साथ में नीयत यह भी हो कि हम दुनियावी पहलु के साथ साथ दीनू पहलु को भी मद्देनज़र रखें कि हम इस जुबान में जिस मुआरे में रहते हैं उस जुबान में उसी कौम को अल्लाह ताली की और उसके रसूल की सही बातें सही अहकाम पहुँचा दें तो हमारा उस जुबान को सीखना गोया हमारे लिए एक सवाब का और एक बरकत का बायसी बन जाएगा तो इसलिए ज़ुबान सीखने के दीनी और दुनियावी दोनों पहलू मौजूद हैं और जैसे कि अभी हाफि साहब ने भी हाफ़ साहब फरमा रहे थे कि ज़ुबान सीखने में मुख्तफ़ की डिक्शनरीज़ वग़ैरह बड़ी हेल्प करती हैं तो मुझे एक वाक़ याद आया अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त शरीफ लाए थे पाकिस्तान से तो यहाँ जर्मनी में अभी अगरचे उन्हें आए हुए थोड़ा अरसा ही हुआ है उनसे मेरी अभी कुछ दिन पहले बात हुई तो उनसे मैंने पूछा कि उन्होंने लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन किया था तो मैंने कहा कि आप लैंग्वेज स्कूल के कौन से हिस्से में जा रहे हैं यहाँ जर्मनी में लैंग्वेज स्कूल के मुख्त्य दर्जे हैं ए वन है ए टू है बी वन है, है और बी वन इनका काफ़ी अच्छा दर्जा है वो कहते हैं कि मैं मरबी साहब बी टू में जा रहा हूँ तो मैं हैरान हुआ कि इससे पहले मुझे कोई बताया नहीं कि आपने कभी स्कूल ज्वाइन किया है वो कहते नहीं मैंने स्कूल जब ज्वाइन करने किया हूँ तो शुरू से ही बेटू बी टू में किया हूँ मैंने पूछा कि इतनी अच्छी ज़ुबान जर्मन ज़ुबान पर आपका अबू कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि वो जब से यहाँ आए हैं वो जमाती खिदमत कर रहे हैं तो मरकज़ से आने वाले तमाम खतूत उनका बाकायदा वो मुताल करते थे मरकज़ से आने वाली तमाम डाक का जवाब देते थे फिर मरकज़ से छपने वाले जो हमारा महा, महाना बुलेटन है उसका बाकायदा मुताल करते थे और कहते सिर्फ़ इसकी बरकत से मेरी ज़ुबान इतनी अच्छी गई है कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम बी वन में नहीं बल्कि तुम बी टू में जाने के काबिल हो चुके हो तो ये भी अल्लाह का फज़ल है कि देखें जब इंसान दीनी तरफ रगबत करे दिन की तरफ चल पड़े तो अल्ला उसकी ज़ुबान को खुद ब खुद बेहतर कर देता है ज़ाकल मोज नाजरी जैसा कि हमने कुछ देर पहले हाफ साहब से सुना कि जिस ज़माने में वो तशरीफ़ लाए उस वक्त बाज़ हालात की वजह से उनको वो मौा मैसर नहीं आ सके कि उसमें आप वो प्रॉपर स्कूल्स को ज्वाइन कर सकते और वहाँ पे जाके अपनी ज़बान को इम्प्रूव कर सकते लेकिन आज कल अल्लाह ताला के फजल से ये सहूलतें मैसर हैं और पिछले प्रोग्राम में भी हमने आपकी खिदमत में एक एक्सपर्ट की जो आरत हैं वो पेश की और आज भी हमने आपके लिए अडल्ट एजुकेशन ए, के एक स्कूल और लैंग्वेज स्कूल की प्रिंसिपल से जो एक अट्ठाईस साल तजर्बा रखती हैं अपनी ए, इस फील्ड में उनसे गुफ्तु रिकॉर्ड कर रखी है आइए हम आपको सुनवाते हैं कि आज यहाँ मुकामी जर्मनी के लिहाज से वो कौन सी सहूलतें हैं जो यहाँ पर हिजत करके आने वालों को मैसर हैं ज़बान सीखने के हवाले से और किस तरह से किस तरीक़ से वो इस आ, में आगे बढ़ सकते हैं और जबान अच्छी ज़बान सीख सकते हैं आइए देखते हैं हमारे पास अक्सर लोग आते हैं जिन्होंने यहाँ पर रहकर कुछ जर्मन सीख ली होती है हमें पता चलता है कि ये लोग कुछ हद तक गैर मुतमिन होते हैं क्योंकि उनकी ज़बान की महारत किसी जॉब या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए काफ़ी नहीं होती Zu schauen, dass man das in einem Kurs, genau oder die für den Teilnehmer richtig ist, die den Teilnehmer nicht überfordert, auch nicht unterfordert. हमारा मशवरा है कि हर कोई अपनी क्लास के साथ एक, एक टीम में सीखे तीम तीम ऐसे ज्यादा जल्दी सीखा भी जाता है और हमने ये तजुर्बा किया है कि लोगों में इस तरह से मोटिवेशन भी ज्यादा आती है बनस्बत इसके कि आप घर पर अकेले सीखे ये जाने बगैर कि आपने अच्छा क्या किया अब आगे क्या आएगा और आपका तलफुज सही है कि नहीं हम सारे माइग्रेंट्स को ये मशवरा देते हैं कि वो अपनी में मुशावरत की लें। ये पता लगाने के लिए कि लैंग्वेज कोर्स करने में वाक़ कितना खर्चा होता है क्या हकीकत में उतना ही है जितना हमने समझा था या कम है क्योंकि यहाँ पर कई मुख्तफ इदारों से फाइनेंशियल मदद मिलती है हम हर हाल में आपके लिए तलाश करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इन खर्चों का बोझ अकेले ना उठाना पड़े हम आपके लिए मुनासिब कोर्स का इंतब करने की भी आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका दाखिला किसी ऐसे कोर्स में हो जो आपके लिए मुनासिब हो इलावा हम आपकी इससे तल्लक रखने वाले बाकी कामों में भी मदद करवाते हैं जैसे फॉर्म फिल करना जो आपको जर्मनी में हर मरहले पे करना पड़ेगा इसलिए इस चीज़ से आपको टल नहीं जाना चाहिए आप एक अच्छे लैंग्वेज कोर्स में दाखिला लें और फिर मुमकिन है कि बहुत कम टाइम में आपकी ख्वाहिशात जर्मनी में पूरी हो जाएं और जबान की महारत आपको एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दे। यहाँ की जबान के नॉलेज या कम्युनिकेट करने के जरिए के बग़ैर आपको जर्मनी में कई मुश्किल मराहिल का सामना करना पड़ेगा इसकी शुरुआत होती है जब आप डॉक्टर को अपनी तकलीफ ना बता सकें या दफ्तर रोजगार में या अगर आपने अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाना है तो आपको उस्तादों से बातचीत करने में भी मुश्किल पेश आएगी

और ज़बान को बेहतर अंदाज में सिखाने का इंतज़ाम भी मौजूद होता है प्रोग्राम के इस सिलसिले को कुछ आगे बढ़ाते हुए मैं एक दफ़ा फिर मुकरम हाफिज़ साहब से ये पूछना चाहूँगा कि सोशल इंटीग्रेशन या माशरे में जो मिलना जुलना है उसके हवाले से आपने अपने जारी तजर्बे के हवाले से भी कितना मावन और मददगार पाया अच्छी ज़बान पर दस्तरस जो है उसको और अगर ये ना हो तो इंसान किस तरह से इंटीग्रेशन के हवाले से मेल जोल के हवाले से क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए भारत जो बुनियादी स्रोत है वो ज़ुबान है और अगर आप कहते हैं कि सोशल इंटीग्रेशन तो अगर वो नहीं है ज़ुबान तो इसका मतलब नो no कम्युनिकेशन ये बेसिक चीज़ है और इस और ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा साफ करने के लिए बेहतर करने के लिए ये मैं समझता तो हूँ कि अहम इस लिहाज से है क्योंकि तो अब मुख्तलिफ लोगों से जब आपके तलुकत बनते हैं और मुख्तलिफ प्रोफेशनस के लोगों से अब तल्ल बनते हैं तो फिर आपके पास ज़ुबान को बेहतर करने के लिए एक वैराटी तैयार हो जाती है जैसे कि, कि सिर्फ एक ही माहौल में रहते हैं और एक ही किस्म के लोगों से मिलते हैं तो सिर्फ एक मखसूस किस्म की ज़ुबान जो है ना वह आप सीख जाते हैं इस लिहाज से सोशल इंटीग्रेशन जो है वो ज़ुबान को पॉलिश करने के लिए एक बुनियादी चीज़ है मुझे याद है कि मैं चूँकि आई टी के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता था पाकिस्तान में मैं जब आया तो मेरे लिए बुनियादी चीज़ ये थी कि मैं आई टी की जो जर्मन टर्मनोलॉजी है उसको किसी तरीके से जल्दी सीखूँ उसके लिए मैंने बास जो स्कूल्स थे प्राइवेट उनमें दाखिला लिया हालांकि वो सब कोर्सेस में जानता था सिर्फ इसलिए कि जो चीज़ इंग्लिश में है वो उसको जर्मन ज़बान में कैसे उसको लिखा और पढ़ा जाता है और उसकी वजह से मुझे जो एक जंप मिला है बावजूद इसके कभी ज़ुबान नॉर्मल इतनी नहीं थी लेकिन जो अपनी प्रोफेशन की ज़ुबान थी उसको मैंने प्रायोरिटी पर रखते हुए जल्दी से जरा जल्द पिक कर लिया और मेरे लिए सोशल इंटीग्रेशन में भी आसानी हुई क्योंकि मैं मुझे वहाँ इलमी माहौल मिला और प्रोफेशनल इंटीग्रेशन जो है उसमें फ़ायदा हुआ आ, इमाम साहब आज़ूर सल्हसम ने जो ज़बानें सीखने के हवाले से तहरीक फरमाई उस पर पिछले प्रोग्राम में गुफगू हो चुकी आपके ग़ुला सादक हज़रत अकदस मसीह पाकुवासलम जो हैं उन्होंने भी उनकी जबान पंजाबी थी आप पंजाब में कादियान में पैदा हुए तो लेकिन हजूर की ज़िंदगी में भी हमें नज़र आता है कि आपने ना सिर्फ़ दीगर ज़बानें अल्लाह त फसल से सीखी बल्कि उन पर महारत जो है वो हासिल फरमाई तो इस हवाले से बासियत अहमदी या जमात अहमदिया के हवाले से ज़बान सीखना क्या ख़ास अहमियत रखता है इस पर भी मैं चाहता हूँ कि आप रोशनी डालें हमारे नाज्रीन के लिए जैसा कि आपने बताया भी कि हज़रत अकदस मसीह मऊदा सलाम की जो पैदाइश थी वो एक पंजाबी घराना में हुई थी और आपकी मादरी ज़ुबान पंजाबी थी लेकिन इसके बावजूद बचपन से ही आपके लिए जो आपके वाले साहब ने घर में मुख्तलिजा का इंतज़ाम किया था उनमें फ़ारसी और अरबी सिखाने वाले साथ भी मौजूद थे और हजूर को कुछ फ़ारसी भी आती थी फ़ारसी में कुछ दस्तरस ज़्यादा थी क्या फारसी में बोल चाल भी कर लेते थे और अरबी ज़ुबान में दस्तरस बहुत मामूली सी थी गोया वो बिल्कुल शुरू के आगाज़ के चांदे कस्बाक थे लेकिन हम देखते हैं कि हतकदस में सदराम को ज़ुबानों से खास शगफ़ था और ख़ास तौर पर अरबी ज़ुबान से और अल्लाह ताला ने आपके इसी शकफ़ को देखते हुए और आपके वसी तर जो आपकी जिम्मेदारियाँ थीं उनको देखते हुए अल्लाह ताला ने तौर पर अपने फ़जल से अपने रहम से आपको अरबी ज़ुबान का ख़ास इल्म दिया और आपने खुद ख़्वा फरमाया आपने कि मुझे ख्वाब में अल्लाह तरबी ज़ुबान के चालीस हज़ार मादों का इल्म दिया और हजूर ने अगर हम देखें तो चालीस हज़ार मादों का इलम एक बहुत वसीम है हजूर नेरबी ज़ुबान में बहुत सी किताबें तसनीफ़ फरमाई और ये वही शख्स था कि जिस शख्स ने अगर हम कहें कि स्कूल में तो स्कूल में तो या अपने घर में तो गया अरबी की बिल्कुल शुरूफ़ अलिफ बे पढ़ी थी गोया वो सारी के सारी अरबी के मौजाना आपकी जो तहरीर है वो अल्लाह की तरफ से इल्हाम करता थी उसकी तरफ से ख़ास तायदी तायद याफ्ता थी और उसके बाद हतदस मसीह महूद को कौमी ज़बान जो जो थी उस दौर में जो कौम जो हुकूमत कर रही थी इंडिया इन, इन, पर या हिंदुस्तान पर वो अंग्रेज़ थी और अंग्रेज़ के साथ एक कौमी ज़ुबान होने की हैसीत में हज़ूर को यह भी शौक़ था कि मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान भी कम अज़ कम सीखूँ ताकि मैं अंग्रेज़ों को कम अज़ कम, अज़ कम उनकी ज़ुबान में तब्लीग कर सकूँ यह हजूर का जोश तबली मुलाज़ा फरमाएँ हजूर ने जो कौमी ज़ुबान सीखने ताकि हकाम को या गमेंट को अपनी पूरी मतलब से आगाही दी जाए हजूर ने उसके मतलब फ़रमाया कि हाँ ये बात मैं याद रखो कि चूँकि इसतकाम गमेंट ने एक कौमी गवर्नमेंट की सूरत इख्तियार कर ली है यानी अब हमारी कौमी गवर्नमेंट जो है वो अंग्रेज़ी गवर्नमेंट है इसलिए गौ, कौमी कौमी गवर्नमेंट की ज़ुबान भी एक कौमियत का रंग रखती है बस ज़रूरी है कि अपने मतलब व अगराज को हुकाम पर पूरे तौर से जहन नशीन करने के लिए अंग्रेज़ी पढ़ो ताकि तुम गवर्नमेंट को फ़ायदा और मदद पहुँचा सको और इसी तरह हजूर ने एक दफ़ा ख़ुद बड़े पुरज़ोर अल्फाज में इस ख्वाहिश का अहार फरमाया कि काश मुझे भी अंग्रेजी ज़ुबान आती तो मैं इस तबलीग इस्लाम और बेहतर कर सकता हजूर के जो इक़तबास में आप सामने रखता हूँ हजूर ने फरमाया कि हमारे इख्तियार में हो तो हम फ़कीरों की तरह घर बाघर फिर कर खुदा तला के सच्चे दीन की इशात करें और इस हलाक करने वाले शर्क और कुफर से जो दुनिया में फैला हुआ है लोगों को बचाएँ फरमाया अगर खुदा तला हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखा दे तो हम खुद फिर कर और दौरा करके तब्लीग करें और इसी तबलीग में ज़िंदगी ख़त्म कर दें खा मारे ही जाएँ देखें कितना हजूर का एक पुरज़ोर इकतबास है कि मुझे अल्लाह ताला ने जिन ज़बानों में महारत बख्शी है वो अरबी थी फ़ारसी थी उर्दू थी उनमें तो मैं तसनीफ कर चुका लेकिन मेरा दिल करता है कि काश मुझे अल्लाह ताला अंग्रेज़ी ज़बान सिखाता है तो मैं अंग्रेज़ी में भी दौरा करता और तल्लीग करता और लोगों को अल्लाह ताला का उसके रसूल का बगा पहुँचाता और इसी तरह एक दफ़ा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब ने हजूर के एक इश्तार का तर्जुमा इंग्लिश में किया करके वो लाए तो और मौरी मोहम्मद अली साहब भी हजूर के जो इंग्लिश रसाले के एडिटर थे तो इन दोनों की इंग्लिश बड़ी बहुत अच्छी थी तो हजूर ने बड़ी खुशी का फरमाया और हजूर ने फ़रमाया कि इसमें अल्लाह ताला की हमत है कि हमने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी वो आप लोगों को स्वाव में शामिल करना चाहता है कि अगर हजू फरमाते अगर मुझे अंग्रेज़ी आती होती तो गोया यह सब अंग्रेज़ी में काम में ख़ुद करता और आप स्वाव से महरूम रह जाते अगर हम देखें तो जिस हम मुल्क में जिस कौम में रह रहे हैं उस कौम की ज़ुबान को अगर हम जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था इसलिए सीखें कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाएंगे तो गोया हम उस सवाब में शामिल होंगे हजूर ने फरमाया है कि अल्लाह ताला आपको सवाब में शामिल करना चाहता है अगर हम अंग्रेज़ी पढ़े हुए होते तो उर्दू की तरह उसके भी दो चार सफ़े हम रोज़ लिख दिया करते मगर खुदा ने चाहा कि जैसे आप हैं और मौली मोहम्मद अली साहिब हैं आप लोगों को भी सवाब दिया जाए तो हैतदस मसीह मऊदाम तो का जुबान सीखने की तरफ ख़ास शकफ़ था और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसी मकसद के लिए था ताकि अल्लाह ताली के और उसके दीन की अशात की जाए और हजूर ने फरमाया कि अब हम अगर, अगर अपनी ज़ुबान में अपने ज़ुबान सीख कर अल्लाह ताली के दीन की अशात करें तो वो हमारे लिए गोया एक काम सवाब का है जमाम साहब और अल्लाह ताली के फजल से क्या ही खुशकस्मती है कि हम इमाम वक्त हज़रत खलीफ़तुलमसी यादल तिन अजीज के इरशदात की रोशनी में दुनिया भर में अपना ये फ्रीजा तबलीग कि जिसकी ख्वाहिश का इजहार हज़रत अक्स मसीह पाक अलसलम ने फरमाया था उसको अदा करने वाले हैं और अलहमदिल्ला इस वक्त हमारे साथ मुकरम हाफ़ि साहब जशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में और आप जर्मनी में नैशनल सैकटी तबलीग के फ़रज़ भी जो हैं वो सारे अनजाम दे रहे हैं हाफिज़ साहब इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएँ तो प्यारे ए, इमाम की जो ख्वाहिहिश है तो उस सिलसिले में भी जमनन अगर हम बात करते चलें यहाँ पर कि तबलीग का जो फरीज़ा है उसमें आपका अपना ज़बान जानना और वो किस हद तक आपको मदद दे रहा है और फिर खुदा ताला के फ़ल से जो जमात की एक्टिविटीज़ लोकल ज़मात जो ज़बान में हैं वो क्या हैं उनका अगर अजमाली एज, ख़ाह हम यहाँ बयान करते चलें जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो सोशल इंटीग्रेशन की बात हो रही थी तबलीग भी उसी के साथ साथ जुड़ी हुई है कि जिस भी तबके से आप मिलेंगे हमारी बात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तबलीग पे ही जाके शुरू भी होगी और ख़त्म भी होगी इसलिए ये तो बड़ी बुनियादी चीज़ है कि आप तबलीग नहीं कर सकते बग़ैर जुबान के जो फ़ायदा होता है ज़ुबान सीखने के प्रोसेस का तब्लीग का वो ये है कि जो तबलीग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जिन चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है उसकी वजह से आप म्यारी ज़ुबान सीख जाते हैं एक चीज़ दूसरा ये कि तबलीग का ताल्लुक हमत के साथ है और आपने एक चीज़ को बड़े पुरमत तरीके से उस तरीके से फिर आपको जो ज़ुबान की बारिकियाँ हैं कि किस तरह मैंने अच्छे तरीके से एक चीज़ को पेश करना है जैसे कि सिर्फ हर चीज़ बफ़ा इंसान सिर्फ इतनी ज़ुबान सीख लेता है कि जिसका उसका काम निकला है लेकिन तबलीग उसको अगले के मिजाज मिजाज के मुताबिक उस माहौल के मुताबिक आपको मुख्तफ़ तरीके से अपनी तबलीगी गुफगू करनी पड़ती है और उस लिहाज से फिर ज़ुबान आपकी बहुत मियारी हो जाती है दूसरा ये है कि जर्मनी के अंदर जो तबलीग की जो इस कौम के अंदर जो जमात का पैगाम पहुँचा है और जो उन पर उसका अच्छा असर है उसकी बेसिक वजह यह है कि वो ये बरमला इस चीज़ का इज़हार करते हैं कि ये वाद जमत हैं इनकी इस जमात के लोग हैं जो इंटीग्रेटेड हैं जो तालीम याफ़्त हैं और जर्मन जुबान अच्छी तरह जानते हैं हालांकि हमारी नस्बत से बास कौमों की तादाद बहुत ज़्यादा है उनके मतलब अभी तक ये इमेज है कि वो ज़ुबान नहीं सीखते वो ज़ुबान को प्रायोरिटी नहीं दे रहे और हमारे मतलब उनका ओपनली इमेज है कि इन्होंने ज़ुबान को सीखते हैं अलीम तालीम याफ़्त हैं और अच्छी इससे जो नेक नामी बनी है तबलीगी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसका इसमें बड़ा गहरा अमल रख है। जजाक और ये माम सब जो फ़ायदा है ये दुनिया भर में खुदा तला के फजल से जो अहमदी हिजरत करके तशरीफ़ ले गए हैं वो अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हैं और मजीद भी इन शो नए तशरीफ़ ले जा रहे हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि इस को भी समझेंगे और जहाँ दुनिया के काम है वो तो अल्लाह ताला के फजल से साथ चलते हैं लेकिन असल जो हमारा मकसद है ज़बानें सीखने से वो तब्लीग का भी है तबलीगी हवाले से और ज़बान के हवाले से मेरे जहन में ये भी आता है कि जो कुर करीम के तराजम खुदा ताला के फजल से हमने तोफीक पाई अल्लाह ताला ने हमें हम जमात पर फजल फरमाया कि बहुत सारी ज़बानों में तराजम के जो सिलसिले हैं वो जारी हैं तो उस पर भी कुछ रोशनी डालें हमारे नाज्रन के लिए कि ज़बान सीखने से ये जो अल्लाह ताली का ख़ास फजल हुआ जमात पर यह तो फीक पाई हमने जी बिल्कुल कुरान करीम जो इस्लाम की शरीय है और इस्लामी शरीय की किताब है और इस्लाम के बारे में आपको इलम है कि ये एक आफाकी मजहब है ये एक आलमगीर मज़हब है और आज इस्लाम की सही तस्वीर और सही तालीम पेश करने वाला जो मजहब है वो अहमदीत है अहमदीत का गुरु है इसीलिए आज अतलक फजल से हम अहमदी ग्रोह जो है ये भी एक आलमगीर और आफाकी इस्लाम को पेश करने वाला है गोया हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या इंग्लैंड में या जर्मनी में या कनाडा में चंद एक मुल्क तक महदूज नहीं रही बल्कि आज अल्लाह तला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक यानी मसीह मसीम के ग़ुलाम होने की तें आज हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इस्लाम की तलीम को तमाम दुनिया तक फैलाएँ और उसके लिए जब तक हम उस उस कौम के उस उस मुल्क में जाकर उनकी ज़ुबान को नहीं सीखेंगे तब तक हम उसको उस पैगाम को पहुँचा नहीं सकते जैसा कि आपने बताया कि वो पैगाम पहुँचाने के लिए जो हमारी कोशिशें हैं हमारे प्यारे इमाम हमारे मुकदस इमाम उनका जिक्र फरमाते हैं और हमें अभी इस सोना जलसा पर भी हमने सुना हुआ फरमाया कि बहुत सी जुबानों में कुरान करीम के तराज हो चुके हैं बहुत सी जुबानों में हो चुके हैं और हो रहे हैं और इसी तरह बहुत सी ज़ुबानों में जमात हम जय का लिटरेचर बायदा तैयार हो चुका है एक दफ़ा खिल मसी राब रहा ने एक मौके पर शाद फरमाया था कि अब किसी आहदी के लिए ये कोई बहाना नहीं है कि मैं तबलीग इसलिए नहीं करता कि मुझे ज़ुबान नहीं आती गोया तबलीग के लिए ज़ुबान अहमियत है लेकिन वो जो बिल्कुल नए लोग आते हैं उनको चूँकि ज़ुबान नहीं आती होती लेकिन तब्लीग वो भी कर सकते हैं आपने फ़रमाया कि आप जमात का लिटरेचर हर जुबान में इतनी वसा इतनी वसी तादाद में मौजूद है कि अगर आपको ज़ुबान नहीं भी आती अगर आप ज़बान सीख भी रहे हैं तो फिर भी आप उस करीम को लें जो छपा है उसबान में या जमात का लिटरेचर लें और उस तरह आप अल्लाह ताला का और उसके रसूल का पैगाम बतरीक आसन पहुँचा सकते हैं तो अलहदुल्लह आज जमात अहमदिया ने जो ये बेड़ा उठाया है कि इस्लाम की तालीम को तमाम दुनिया में फैलाना है उसके लिए कोशिशें हैं और ताला का फ़ल्ल है कि ये कोशिश भी कर्न करीम का तर्जमा लिटेचर की अशात और मुख्त्य ममालिक में मलगन और मुरबीयान को भिजवाना उनकी वहाँ को ज़बान को सीखना वहाँ मौलमिन की तैयारी आगे ज़बान को सीखाना इसी तरह जामियात में ज़बानों के सीखने के लिए मुख्तफ़ जामियात में सीखने का इंतज़ाम करवाना ये सब का सब इस्लाम की तलीम को एक आफाक़ी तालीम बनाने का ही ये कोशिशें जल्ला और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि लटरेचर फैलाने वाले भी बने और वो जो लटेचर का तर्जुमा करने वाले हैं उस दर्जे तक खुदा तला हमें पहुँचने की तोफीक़ दे और नाज्रन इस हवाले से हमने कोशिश की कि इस मुख्तसर वक्त में ज़बान सीखने के तरीक फ़वाद और उनकी मुख्तफ चहतें जो हैं उनको हम आपके सामने पेश कर सकें हमें एहसास है कि इतना बड़ा मौजू जो है इस कलील वक्त में इसको मकमल तौर पर नहीं इस पर बात की जा सकती लेकिन अल्लाह ताली के फजल से इस पर दो प्रोग्राम्स में एक सैर हासिल गुफ्तु जितनी मुमकिन थी वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है अल्लाह ताली इस कोशिश को कबूल फ़रमाए हमारे प्रोग्राम्स का सिलसिला ज़बान सीखने के हवाले से जारी रहेगा अगले प्रोग्राम्स में हम इन ताला अपने बच्चों को गैर ग़ैरमालिक में उर्दू ज़ुबान और अपनी मुकामी ज़बानें सिखाने की जो अहमियत है उस पर गुफगू करेंगे हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह ताली हम सब का हमसर हो आमीन अल्लामक वरम वबरकू فا زت خدا کرے